सब भाई बहन प्यार दे रहे हैं और कुछ मेहनत नहीं करूंगा तो मुझे मिलेगा कुछ में नहीं। अभी 48 घंटे के अंदर में देखो 3,36,000 व्यूज आ रहे हैं सिर्फ 48 घंटे के अंदर में। लेकिन आज मम्मी आपको बताएं कि वीडियो ये वायरल कैसे हुआ है। तो दोस्तों मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 दिन के अंदर में 1 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गया है, 1.1 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गए। जब से मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 दिन के अंदर में आप लोगों को इतना प्यार और सपोर्ट मिला है कि ये वीडियो जो मम्मी के साथ में बनाया था कि देखो मम्मी को मैं अपना अर्निंग दिखा रहा था यूट्यूब पे, वो वाली वीडियो 1.1 मिलियन व्यूज चली गई आप लोग के सामने, यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ 7 दिन के अंदर में। ये आप लोग का प्यार और सपोर्ट है। और इसी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो ये वाली वीडियो है। इस वीडियो के मैं एनालिटिक्स को ओपन करता हूँ, जरा ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करते हो ना कि वीडियो के नीचे कमेंट करते हो कि अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो एक वीडियो को लाइक करो। आज मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, पूरा देखना है। मम्मी के साथ में हूँ और मम्मी देख यहाँ पे जो वीडियो बनाया हुआ था तुम्हारे साथ में, देखो ये देखो 1.1 मिलियन, इसका मतलब जानती हूँ कितना होता है। 1.1 मिलियन का मतलब होता है कि 10 लाख से ज्यादा का व्यूज चला गया। ये देखो दोस्तों यहाँ पर देखो 36 टाइम्स यानी कि 36 गुना ज्यादा ये वाली वीडियो ज्यादा चल रही है। और यहाँ पर देखो 1.1 मिलियन, मिलियन मतलब होता है 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख लोग, यानी कि आपकी और मेरी वीडियो को लोगों ने 10 लाख लोगों ने देखा है 7 दिन के अंदर में। और दोस्तों उसे 5,600 सब्सक्राइबर मिले हैं। और एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर ये वीडियो वायरल कैसे हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। मम्मी थोड़ा सही था राजा, मेरी मम्मी थोड़ी छोटी है लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसे हो जा रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो दोस्तों मैंने अपना इंस्टीट रिकॉर्डिंग चालू किया मोबाइल का, आपको यहाँ पर बीच में मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, नहीं यहाँ पर साइड में दिखा दूंगा। देखो यहाँ पर रीच पे जाता हूँ, इंप्रेशंस में मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, आप देखोगे ये देखो मैं जैसे इंप्रेशंस को रिफ्रेश करता हूँ ये देखो इंप्रेशंस कितना तेजी से भाग रहा है। देखो अभी कितना इंप्रेशंस है, 21,000, 22,000, 10,000, 10,000, 10,000, 56 लाख इंप्रेशंस गया हुआ है। और जितना बार इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ देखो 600 से 991, 891 1 सेकेंड में हुआ। जितनी बार मैं रिफ्रेश करता हूँ ये देखो जितनी बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ उतनी तेजी से यहाँ पर इंप्रेशन जा रहा है, मतलब लोगों के पास में इंप्रेशन बहुत तेजी से जा रहा है। इस वीडियो को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं देखने के लिए। आखिर क्यों, आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है जो ये वीडियो इतनी वायरल हो रही है, देखते रहिएगा मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ और मम्मी आपको बताएंगे कि आखिर ये वीडियो वायरल क्यों हुआ है। अभी तक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आखिर वीडियो वायरल कैसे करना है, लेकिन आज मम्मी आपको बताएंगे कि वीडियो ये वायरल कैसे हुआ है। भाई मेरा तो सुनोगे लेकिन मम्मी को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो यार माँ बाप के लिए एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपके दिल को छू जाएगा और शायद ही कोई भी यूट्यूबर आपको इस तरह से वीडियोस बना करके दिया होगा पूरे यूट्यूब पर, ऐसी वीडियोस कभी नहीं मिलेगी आपको, ये एक इतिहास रचने वाला है, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करना है, जरूर से जरूर प्रेस करना है। अगर अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो, सब लोग बोलते हैं ना कि यार माँ बाप से प्यार करते हो तो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो, आज मैं आपसे बोलता हूँ ना कि अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो ना तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ मोटिवेशन मिलने वाला है और एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, तो सब मैंने यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अभी 48 घंटे के अंदर में देखो 3,36,000 व्यूज आ रहे हैं सिर्फ 48 घंटे के अंदर में। और यहाँ पर मैं 60 मिनट करता हूँ तो 60 मिनट के अंदर में देखोगे कि 13,937 यानी कि 14,000 के करीब में व्यूज दिख रहे हैं। ये देखो फिर से मैं करता हूँ, फिर से देखो 13,981 हो गए, मतलब बहुत तेजी से व्यूज आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये वीडियो वायरल हुई कैसे। मैं मतलब जब ये वीडियो बनाया कि अपलोड किया ना तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये वीडियो मेरी वायरल चली जाएगी। मम्मी अंदर आ जाए, कभी भी मैंने नहीं सोचा था मेरी वीडियो वायरल हो जाए। और सबसे पहली बात बता दूँ कि ये वीडियो जो है मैंने ऐसे ही बना दिया था, ठीक है, क्योंकि उस दिन मैं वीडियो बनाने ही वाला नहीं था क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा सा डाउन चल रहा था। यहाँ पर आप देखोगे तो मैं आपको अपना ग्राफ दिखाने वाला हूँ, आप ध्यान से देखते रहिएगा। आप लोग सोचोगे ना कि क्या से क्या हो जाता है, जो सोचा नहीं होता है वो हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी वीडियो का एनालिटिक्स में चैनल का एनालिटिक्स ओपन करता हूँ तो देखोगे कि जिस दिन मैंने ये वीडियो डाला देखो ग्राफ देखो अचानक से ऊपर उठ गया, तो मेरे चैनल का रीच थोड़ा सा डाउन हो रहा था तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। मेरी मम्मी बोली कि ये सब होते रहता है, तुम सिर्फ वीडियो बनाओ। मम्मी कहते हैं ना कि माँ बाप अगर साथ हो, माँ बाप का अगर साया हाथ सर पे है तो आप दुनिया में कभी भी आप हार नहीं सकते, दुनिया में कभी भी आप झुक नहीं सकते, दुनिया में कभी भी आप नीचे नहीं रह सकते, आप हमेशा ऊंचाइयों पर जाओगे, ठीक है। तो
ध्यान से देखते रहिएगा। तो इसके बाद मैं वीडियो जब बनाने लगा, मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, मम्मी बोली वीडियो बना ले, ठीक है। तो मैं आया अपने यहाँ पर, स्टार्ट किया, डिजिटल बोर्ड ओपन किया और मैं सोचा कि क्या वीडियो बना। फिर मेरे यार मन में आ गया ना कि यार मम्मी को क्या करता हूँ ना, कि अब तक मैंने जितना भी यूट्यूब से पैसा मैंने कमाया हुआ है, मम्मी को वो दिखाता हूँ, ठीक है। मम्मी भी देख करके थोड़ी सी खुश हो जाएंगी, थोड़ा डिफरेंट वीडियो आप लोग को भी मिलेगा। मैंने यहाँ पर आपके सामने वीडियोज बनाया और आप लोग देखे उस वीडियो को, आपने देखा। देखो उस वीडियो में जो था ना दोस्तों, मैं रियलिटी दिखाया। वायरल होने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है जो मम्मी बताएंगी, और एक सबसे बड़ा और दो रीजन यहाँ पर है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो अगर ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वायरल होने के पीछे यहाँ पर दो सबसे बड़े रीजन है। एक तो सबसे पहली बात है कि मैंने अपना अर्निंग रियल दिखाया, अपने YouTube चैनल की अर्निंग जो है रियलिटी पूरा ओपन करके दिखा दिया कि देखो मैंने साल भर में कितना कमाया था। और दूसरी क्या बात है कि मम्मी क्या एक्सपेक्टेशन देख करके लोगों को इमोशन से वो जोड़ लिए, मम्मी मेरी देखी सॉल्व हो गई। क्योंकि भाई हम लोग 10 से 15,000 रुपए कमाने वाले, घर की गरीबी थी, बाथरूम में वीडियोस बनाता था, एल्बेस्टर का पतरे का रूम था, उसी में सब लोग रहते थे, आज निकल कर यहाँ पर चले आए। तो मम्मी के लिए, अरे मम्मी फिर से रोने लगी, चुप हो जाओ यार, ठीक है। तो वो क्या है कि ना कि मम्मी एक्सेप्ट नहीं कर पाई, मतलब उनको एकदम सपना सा लग रहा था। काफ़ी देर बाद वीडियो बनाने के बाद भी उनको काफ़ी ज़्यादा सपना लग रहा था कि यार क्या सच में 14 लाख रुपये साल भर में ये कमा लिया, ये तो एकदम से नलायक था, इसको सब लोग नलायक बोलते थे कि ये 14 रुपये की मेरी औकात नहीं थी और 14 लाख रुपये मैंने कमा लिया। तो मम्मी जानकर के शॉक्ड हो गई, और वो जो रिएक्शन था ना एकदम से रियल था। ऐसा कोई जो बनावटी लोग वीडियो बनाते हैं, वो सारा चीज़ रिएक्शन एकदम से सब कुछ रियलिटी था। पब्लिक लोगों ने देखा और देख करके उनको लगा कि यार भाई इस वीडियो में दम है, इस ये वीडियो क्योंकि प्योर एकदम से सोल कह सकते हैं कि आत्मा से निकला हुआ वीडियो था। तो मैंने अपना रियलिटी दिखाया, एक तो सच्चाई दिखाई, दूसरा मम्मी को जब दिखाया तो मम्मी का भी एक्सप्रेशन जो था एकदम से शॉकिंग था कि यार ऐसा भी हो सकता है यूट्यूब से इतना ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। और जो लोग बोलते हैं कि यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है, देख लो रियलिटी मैंने आपको दिखा दिया था। ये वाली वीडियो मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखो इस वीडियो में मैंने वही बताया कि देख मम्मी हम लोग गरीब थे, गरीबी में मैंने अपने YouTube चैनल के करियर को स्टार्ट किया, करियर को स्टार्ट करने के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ने के बाद मैंने YouTube पे आया, कितना मार कितना सब कुछ सहा, ताना सुना और यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ और इतना कुछ किया हुआ हूँ। तो मम्मी को जान करके वो थोड़ा सा तकलीफ हुआ और वो वहीं पर रो दी, और वो लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट टच हो गया, ठीक है। क्योंकि आप लोग इंडिया का एक ऐसा कल्चर है दोस्तों, कह सकते हो कि आदमी आदमी से प्यार इतना ज्यादा है, भले से लोग दिखाते नहीं है लेकिन कहीं पर भी कोई मुसीबत पड़ता है तो हम लोग सब साथ में खड़े होते हैं, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो वहां पर मम्मी ने कहा कि तुम मेहनत करते जाओ, देखने वाला ऊपर है। और जब मैं मम्मी को दिखाया ना वीडियो, तो दिखाया कि देखो मम्मी इतना ज्यादा पैसा हम यहाँ पर कमा चुके हैं, इतना ज्यादा पैसा इससे मिला हुआ। तो मम्मी भगवान के सामने हाथ जोड़ के, हे भगवान मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे बेटे को हमेशा आगे बढ़ाते रहना, मम्मी ने कहा मेरे बेटे को हमेशा आगे बढ़ाते रहना, उनकी दुआ कहीं ना कहीं मुझे लग गई। और हर माँ बाप अपने औलाद के लिए हमेशा दुआ ही करते हैं। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हो, अगर आप अपने माँ बाप की तवज्जो नहीं करते हो, तो ये देख करके सीखो यार कि मेरी मम्मी का आशीर्वाद मुझे किस तरह से लगा। यहाँ पर देखो जो कभी नहीं हुआ, जो बहन भाई अपने माँ बाप का ना मानेंगे ना, वो सब ऐसे आगे जाएंगे। और मेरा बेटा मेरा बहुत कहना मानता, मेरे पापा अपने पापा का बहुत इज्जत करता है, हर समय पापा मम्मी करता है, हम लोग को हर समय बोलता है मम्मी क्या जरूरत है क्या नहीं है। और अब बस यही है, सब भाई बहन का प्यार है, आप लोग प्यार दे रहे हैं, बस मेरा लड़का आगे बढ़ रहा है बस, ठीक है दोस्तों। तो मतलब ये था, और देखो रियलिटी बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ कि 7 दिन के अंदर में 1.1 मिलियन व्यूज मेरे चैनल पर आज तक कभी नहीं है। उठा करके देख लीजिए 1.1 मिलियन व्यूज अभी है। देखो मैंने आपको इंप्रेशन दिखाया, ये देखो 42,000 से 50,000 हो गए, ये देखो इंप्रेशन कितना तेजी से भाग रहा है। तो ये सब पॉसिबल हुआ है आप लोगों के प्यार और बदौलत से, क्योंकि आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, आप लोगों ने इसे, हर कोई जो भी YouTube पर आता है कोई भी अमीर नहीं है, हर कोई चाहता है कि मैं अपने माँ बाप के लिए करूँ। मेरा हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, मेरे बहन भाई सब कोई
बेटे बेटी बहन भाई सब से मैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे बेटे को आगे बढ़ाइए और प्यार दीजिए। अगर मेरा बेटा अच्छा करे तो प्यार दीजिएगा जरूर। सुनो, अगर मेरा यही प्रार्थना, मेहनत करूंगा तो लोग प्यार सपोर्ट देंगे, मुझे सिर्फ मेरी मेहनत को देख करके आप प्यार सपोर्ट। और भगवान का आशीर्वाद जरूर रहेगा। पहले ये बोलो सब्सक्राइबर लोग, ये बोलो कि जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी नौजवान इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, वो अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने माँ बाप का। हाँ बेटा साहब, अपने माँ बाप को कहा मानो और सेवा करो, इज्जत करो, कभी माँ बाप का दिल मत दुखाओ, दिल मत दुखाओ। और दिल दुखेगा तो कहीं ना कहीं आप जरूर पीछे जाओगे, और माँ बाप का आशीर्वाद रहेगा तो हर समय आप माँ बाप का आशीर्वाद रहेगा ना, तो इसी तरह से 7 दिन में मिलियंस में पहुंच जाओगे। आज मैं पहुंच गया हूँ, क्यों? क्योंकि माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा लो, और माँ बाप जैसा कहते हैं उसी तरह से करो, ठीक है? और देखो आप किस तरह से आगे बढ़ते हो। पहले मैं जब नौकरी छोड़ा था तो मम्मी पापा बहुत डांटती थी, लेकिन हाँ, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो सिर्फ दिखाने के लिए मत करो, करो तो ऐसा करो कि उस चीज़ में सफल बन जाओ। नहीं तो मान लो अगर माँ बाप आपके ऊपर में डिपेंड है ना, आज मान लीजिए भगवान मेरे बेटे को, मेरे माँ बाप आज हैं मुझ पे डिपेंड है, अब मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है, दवाई दर्पण चल रहा है, मम्मी की भी तबीयत खराब है, दवाई दर्पण चल रहा है, मुझे टेंशन से हाँ, तो आखिर मेरे ऊपर में डिपेंड है ना, तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें जी जान लगा कर काम करूंगा, क्योंकि आगे उसमें मुझे सफल होना है। तो आप जो भी काम करो उसमें सफल होने के लिए करो, जी जान लगा दो, ऐसा करो कि मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। जब ये सपना लेकर के चलोगे कि मुझे अपने माँ बाप के लिए करना है, उनके सपने पूरे करने, उनको सुख शांति अच्छे से रखना है, तो आप अपनी जिंदगी में जरूर कामयाब होगे। कभी भी अपने माँ बाप का अवहेलना मत करना, अपने माँ बाप की कभी भी बेइज्जती मत करना, अपने माँ बाप को कभी रुलाना मत, कभी भी अपने माँ बाप की आंखों में आंसू आने मत देना। और ये जो भी मम्मी मेरी रो रही है, ये खुशी की आंसू है, क्योंकि 7 दिन के अंदर में 1.1 मिलियन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लोगों ने देखा, बहुत आप लोगों ने प्यार दिया। एक चीज यहाँ पर जरा ध्यान से देख लो, 36 टाइम हायर, 36 गुना ज्यादा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब मम्मी बताएंगी आखिर वीडियो क्यों वायरल हो गई। मम्मी बताओ वीडियो वायरल कैसे हो गई, मम्मी बताएंगी कि आखिर कैसे वायरल हो गई। मैं आपको वो देखी, मैं रोने लगी कि मुझे विश्वास नहीं था कि हाँ मैं इतना पैसा मेरा लड़का कमा रहा है, हमको विश्वास एकदम नहीं था। और जब बोल रहा था तब पर भी हमको विश्वास नहीं था कि हाँ ये सही है, यही देखकर मैं रोने लगी। और कोई बात नहीं है, मैं भगवान से ही प्रार्थना की कि हे भगवान मेरे बेटे को आगे बढ़ाओ, अपना आशीर्वाद हर समय सर पे रखो, मेरा बेटा आगे बढ़े। और पहले तो सब्सक्राइबर लोग भाई बहन का सबका प्यार सपोर्ट है, और भगवान का तो जरूर कुछ न कुछ है, भगवान जो कुछ है यही लोग हैं, मेरा कोई अस्तित्व पहले नहीं। पहले आप ही लोग भगवान हैं मेरे, मेरा कोई मेरे बेटे का आप ही लोग भगवान है, मेरे भगवान, हम लोग को आपके चलते सुख मिल रहा है। और मैं कभी सोची नहीं थी कि हाँ हम लोग ऐसा कुछ देख पाएंगे, लेकिन सब भाई बहन प्यार दे रहे हैं। और कुछ ठीक है, मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों की बदौलत है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, आप लोगों ने यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया है कि मैं अपने माँ बाप के खुशियाँ दे रहा हूँ, जरूरतों को पूरा कर रहा हूँ। आप लोग भी मेहनत करो, पूरी जनता आप लोग के साथ में रहेगी हमेशा। मेहनत पे यकीन रखो, मैं हमेशा मेहनत पे यकीन रखता हूँ, मैं मेहनत करूँगा तो ऊपर वाला देने वाला है, आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे बढ़ूँगा, मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे मिलेगा कुछ नहीं? कुछ नहीं मिलेगा, बिना मेहनत का कुछ मिलता है? कुछ नहीं, मेहनत करते रहो और फल देने वाले भगवान हैं। और फल का सोच मत करो, बस आप ही लोग भगवान हैं, बस मैं यही बोल रही हूँ कि फल का चिंता मत करो, मेहनत करना सीखो ठीक है, और माँ बाप की सेवा करने सीखो। जब कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा। देखो मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, 1.1 मिलियन व्यू, थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखोगे कि इसका इम्प्रेशंस बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैं अभी आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, इसका इम्प्रेशंस बढ़ जाएगा। ये देखो यहाँ पर रीच पे मैं जाता हूँ, ये देखो 5.7 मिलियन इसका इम्प्रेशंस गया हुआ है। सोचो 5.7 मिलियन इंप्रेशंस में ही 1.1 मिलियन व्यूज हो गया, ये बहुत बड़ी बात है अपने में, ठीक है? और ये पूरा हो रहा है एक माँ बाप के आशीर्वाद से। तो अगर आप अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के हमेशा चलोगे ना, तो दुनिया में हमेशा वायरल होते रहोगे, ठीक है? ये रिक के ले लो, ये एक्टिव राहुल का कथन है, लिख करके ले लो। बाथरूम से लेकर के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ दोस्तों, आप भी बहुत आगे तक जा सकते हो। बस अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए और दिल लगा करके काम करते रहिए, जिंदगी में आप हमेशा वायरल ही होते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर आप जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस करना।
दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।